दूसरे विकेट का पतन। अक्षय के रूप में एक और विकेट प्राप्त किया और इस वक्त संकटों में घिरी हुई दिगासी की टीम, अभी रनों की शुरुआत भी नहीं हुई है और दो गेंदों पे दो विकेट, क्या जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन तनवीर द्वारा। विकेट टू विकेट गेंदबाजी, किसी तरह का मौका नहीं दे रहे और गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। दिगासी के दोनों बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए यहाँ पे ताहिर को। एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, इस बार उनका सामने है दिगासी के उभरते हुए बल्लेबाज दीपेश। चले ताहिर, राइट आर्म मोड़ विकेट, शॉर्ट गेंद, अपर एज लगा, गेंद जा रही है फाइन लेग के क्षेत्र में और गेंद चली जाएगी फाइन लेग बाउंड्री के बाद चार रनों के लिए। शानदार चौका। चला सामना शुरुआत कर रहा है, लोकर जरा प्लीज। बेहतरीन शुरुआत की थी तनवीर ने, पहली दो गेंदों पे दो महत्वपूर्ण विकेट झटके और उसके बाद चौका खा बैठे, उसमें उनका इतना कसूर था भी नहीं क्योंकि एज लेके गेंद सीधी चली गई थी फाइन लेग के बाहर, दूर दूर तक फैली हुई फील्ड, डिब्बे को डिस्कोट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डिपे एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। ये गेंद तनवीर की फुल टॉस देन हवा में उठा के मारा, एक टिप्पा खाने के बाद सीधा डिप्पे को स्कोर बाउंड्री के बाद चार रनों के लिए लगातार दूसरा चौका। और क्या जबरदस्त उतार चढ़ाव का खेल है देखिए ये क्रिकेट के। पहले जब शुरुआत की थी तो क्या आग उगलती हुई गेंदबाजी कर रहे थे तनवीर, पहले दो गेंदों पे दो महत्वपूर्ण विकेट ले लिए जबकि दिगासी का खाता भी नहीं खुला था और उसके बाद आने वाले दो गेंदों पे दो चौके खा लिए। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा दिगासी टीम का आठ रन और ये आठों के आठों रन जो आए हैं वो दीपेश के बल्ले से आए हैं। एक उभरते हुए गेंदबाज दिगासी बल्लेबाज दिगासी टीम के तनवीर के सामने। चले तनवीर, राइट आर्म मोड़ विकेट दीपेश के लिए, पुल करने का प्रयास किया था एम्पायर का इशारा, ये दिशाहीन गेंद, एक अतिरिक्त रन मिलेगा और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ योग बढ़ता हुआ पहुंचा अब दिगासी टीम का नौ रन दो विकेटों के नुकसान पे। पहली ओवर चल रही है, जीरो रन के पहली गेंद सिरोला की ओर से लेके आए हैं पहली ओवर तनवीर। एक बार फिर से हमारी ओर भागते हुए राइट आर्म मोड़ विकेट दीपेश के लिए, शॉट गेंद हवा में उठा के मारा है, आला के ऊपरी हिस्सा लगा है और जबरदस्त कैच। जिंकल्यानंतर मात्र सेलिब्रेट करा ना तुम्ही, मधीच कुठं सेलिब्रेशन। और जबरदस्त कॅच, ये तीसरा विकेट प्राप्त किया तनवीर ने इस ओवर में। शॉर्ट गेंद की थी, पुल करना चाहते थे बल्लेबाज और ऊपरी हिस्सा लगा, खड़ी रह गई थी गेंद, लंबी जरूर गई लेकिन एकदम डिब्बे को इसको लेके क्षेत्र में आउट हुए। चले तनवीर, राइट आर्म मोड़ विकेट, अपर एज लगा है और ये चौथी विकेट तनवीर के लिए। गजब की गेंदबाजी तनवीर द्वारा, एक ओवर में चार विकेट प्राप्त कर लिए और दिगासी की पूरे अपर ऑर्डर को उध्वस्त करके रख दिया, ध्वस्त करके रख दिया। ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द अपर ऑर्डर ऑफ दिगासी। व्हाट अ ट्रेमेंडियस एंड ब्यूटीफुल बॉलिंग बाय हिम। अब देखना है कि कौन ऐसा बल्लेबाज है जो दिगासी की टीम को इस संकट की घड़ियों में काम आता है और उनकी डूबती हुई नैया को पार लगाता है। चला फास्ट करा जरा, शिरोले संघ क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, एका जागेवर जमा होऊ नका, ही कोणत्याही प्रकारची सभा नाही याची नोंद घ्या। यासीन सर,
सर्वर आए हैं दूसरी ओवर लेके। एडम मोर्स विकेट हवा में उठा के मार दिया है, डीप पे गोल स्कूल में फील्डर मौजूद और जबरदस्त कैच, एक और विकेट का पतन, लगातार विकेट का पतन हो रहा है। शिरोले शिरोले संघ जमू नका, शिरोले संघ प्लीज कोऑपरेट करा। चला क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्या, पुढचा फलंदाज धावत यायचंय। हा चला लवकर चला, एक एक मानसशास्त्रीय, चला दिगासीचे फलंदाज धावत या, एक मानसशास्त्रीय तथ्य लक्षात घ्या की तुम्ही जेव्हा कोणालाही सहकार्य करता ना त्यावेळी तुम्ही सुसंस्कृत दिसता, लक्षात घ्या या गोष्टीला। तुमच्यावर पडलेले तुमच्या आईबापांचे संस्कार त्याच्यातून दिसतात, म्हणून प्रत्येकाला सहकार्य करावं। आपली भारतीय धरती जी आहे ती प्रेमाची आहे, अगली गेंद टाटा मोड़ विकेट, शॉर्ट गेंद दी अपर कट के लाए, डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जा रही है, एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, लंबी दौड़ लगानी पड़ी है, दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज और जब तक के थ्रू आता दूसरा रन भी पूरा कर लिया, कलेक्ट नहीं कर पाए, वहां पे दो रन पूरे कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, अच्छी सूझबूझ, अच्छा तालमेल, तीन तीन सॉरी, और इन तीन रनों की सहायता के साथ अभी स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 12 रन। सर्वन सर्वन की एक गेंद पुल करने का प्रयास, बिल्कुल गेंद के लाइन में नहीं थे, बीट हुए बल्लेबाज, अपील जरूर हुई लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम। युवराज को बीट किया उसने डॉप स्टंप पूरी तरह से, गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। पहले तनवीर ने की, चार विकेट ही झटकी थी और दिखा सी के पूरा अपर ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था और उसी प्रदर्शन को दोहरा रहे हैं यहाँ पे अब सर्वन। टाटा मुर्दू विकेट युवराज के लिए, बिल्कुल समझ में नहीं आया, बैट पहले बल्ला पहले घूम गया, गेंद बाद में आई, बल्ला जा रहा था कानपुर, गेंद चली गई नागपुर, दोनों विकेट कोई मिलन नहीं, विकेट कीपर ने कैथर कर लिया और बीट किया पूरी तरह से बल्लेबाज को। व्हाइट गेंद का इशारा एम्पायर द्वारा, इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 13 रन। चले सर्वन टाटा ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा, यानी एक अतिरिक्त रन भी मिलेगा और फ्री हिट के एक तोहफा भी मिलेगा। इसे एक रन की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 14 रन। ऐसे मौकों पे खास करके बॉलर को ध्यान देना चाहिए, जब मैच के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी जम चुकी है तो इस तरह की दिशाहीन गेंदबाजी, ओवर स्टेपिंग करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। सर्वन टाटा मोड़ विकेट युवराज के लिए, और अपने जगह पे खड़े रह के पुल कर, हुक कर दिया है गेंद को और डीप मिड विकेट के क्षेत्र में जन आउट होने की एक जबरदस्त अपील, लेकिन नकारा उस अपील को एम्पायर ने, दौड़ के एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इसे एक रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 15 रन। चार गेंदे हो चुकी है, 15 रन का योग खड़ा करने में सफल हो गए, अभी भी दो गेंदे आना शेष। दिखा सी के बल्लेबाज जरूर चाहेंगे कि दो गेंदों पे कम से कम एक बाउंड्री तो आ जाए ताकि एक सम्मानजनक स्कोर वो सिरोला के सामने खड़ा कर सके। आगे निकले कट के लाए अपर कट, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, पहुंच गए अपने घर पे सुरक्षित, यहाँ पे रन आउट होने का मौका, आउट हो जाएंगे तो दो रन मिले।
और इन दो रनों की सहायता के साथ योग बढ़ता हुआ पहुंचा अब 17 रन। याद रखो कि दो ओवर का मैच है, 20-25 का लक्ष्य अगर दिकासी की टीम बना लेती है तो दिकासी के पास भी बहुत अच्छे गेंदबाज है, याद रखिए सिरोला के लिए कठिनाई हो सकती है। पंच आता मागच्या चेंडूवर किती दोन धावा ना, दोन ना, ओके। एक का दोन, शानदार पुल कर दिया इस गेंद को, गेंद सीधी चली गई, जाएंगे डीपे को, इसको लेकर बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए लंबा छक्का, इसी छक्के की तलाश में थे और अब एक सम्मानजनक योग खड़ा करने में सफल हो गई है दिकासी की टीम। अब देखना बड़ा मजेदार रहेगा कि किस तरह की बोलिंग कर पाते हैं यहाँ पे दिकासी के गेंदबाज। चला स्पीड अप करा, शिरोळे संघ फलंदाज पाठवा त्वरित। तेवीस रन बनाने में सफल हो, विकी 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 क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, परेश उमेश चला चला त्वरित, शिरोळे संघ फलंदाज पाठवा। सर किती रन पाहिजेत, टार्गेट किती सांग, 24 ना, 24 धावांची आवश्यकता आहे, 12 चेंडू 24 धावा। दिगाशी संघ चला क्षेत्ररक्षण लावा, शिरोळे संघ फलंदाज पाठवा। या स्ट्रॅटेजी तुम्हाला आधीच ठरवणं गरजेचं आहे, फलंदाज धावत या। फलंदाज आवाज या, फलंदाज जिंकण्याकरता तुम्हाला 24 धावा करायच्या आहेत फायनल मध्ये पोहोचायचं असेल तर, आणि 24 धावा कंपल्सरी आहेत। दिगाशी संघ परत आपण जमू नका, अन्यथा पेनल्टीचा सामना करावा लागेल, दिस इज अ लास्ट अँड फायनल वॉर्निंग, ही शेवटची आणि अंतिम सूचना आहे, विकेट गेली किंवा काही घटना घडली आपण गोळा होऊ नका, फायनल तुमच्यापैकी दोनपैकी एका संघाला खेळायची याची नोंद घ्या। जाणता राजा खारभाव संघाचे कॅप्टन मुख्य मंचाजवळ या, पहिला चेंडू ड्राईव्ह केलाय, निघून गेला चेंडू कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये, व्हॉट अ कॅच, कॅच ऑफ द टूर्नामेंट, लवली कॅच, युवराज सिंग यांची आठवण करून देणार जेल, चला जमू नका विकी 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 जमू नका, चला परेश उमेश सगळ्यांची नावं माहिती आहे, चला सरका परेश चला धावत। या कॅच साठी इनाम आलंय, बक्षीस आलेलं नाही, इनाम आलंय 100 रुपयाचं पारितोषिक पंढरी पाटील यांच्याकडून, इनाम म्हणजे बक्षीस आणि बक्षीस म्हणजे इनाम। चला फलंदाज धावत या, फलंदाज धावत या प्लीज, डोंट वेस्ट द टाइम, वेळ दौडू नका। यासिन सर ही कॅच पकडले का मॅच पकडले याचं उत्तर येणाऱ्या वेळेत आपल्याला पाहायला मिळेल। संघाचा कॅप्टन संघाचा संघनायकाने झेल पकडलेली आहे। व्हाईट बॉल निर्धावचे एक धाव मिळेल शिरोळे संघाला, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 1 या अंकावर। गोलंदाज तयार, 23 धावांची आवश्यकता, यावेळेस मात्र चेंडूला पाठवलाय डाऊन दी ग्राउंड, क्षेत्ररक्षकाय झेल पकडलाय गडीबात। चला पुढचा फलंदाज, पुढचा फलंदाज त्वरित धावत धावत, हा चला लवकर
नवीन फलंदाज आलाय मैदानाच्या आत मध्ये, गोलंदाज तयार बॉलिंग मार्क वरती, पुढचा चेंडू चला लवकर लवकर, गोलंदाज तयार, वेळ दौडू नका कृपया, डावखुरी हाताचा फलंदाज आहे, एकही धाव अजूनही फलकावरती, लागले चेंडूला, ड्राइव्ह केलाय, निघून गेलाय चेंडू, धाव मिळेल ती एक, धावसंख्या झाली दोन, आणि आम्हाला आलाय आयोजकांचा फोन, लवकर घाई करा, चला लवकर, गोलंदाज तयार, अप्रतिम फटका, क्षेत्ररक्षक आहे, जेल सुटलाय, कॅच ड्रॉप, चेंडूची फेकी, धाव मिळेल ती एक, धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती तीन या अंकावर, थ्री रन्स ऑन दी बोर्ड, तीन धावा फलकावरती लागल्या गेलेल्या आहेत, गोलंदाज तयार बॉलिंग मार्क वरती, पुढचा चेंडू पुढचा चेंडू, चेंडू हवे ते झेल पकडला जाईल का, गुड कॅच, अप्रतिम झेल, चला पुढचा फलंदाज, चला पुढील फलंदाज, त्वरित या घाई करा, थर्टीट फॉर टॅट, जशाच तसं उत्तर दिलेलं आहे, आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचते, शरद पाटील आपण बसून घ्या, चला जरा कृपया घाई करा, वेळ आपल्याकडे खूप कमी आहे याची नोंद घ्या, कारभाव संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत यावेळेस, मात्र प्रहार, पुन्हा एकदा चेंडू हवेत, एक धाव, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण, पाच धावा फलकावरती लागलेल्या आहेत, सहा चेंडू, एकोणीस धावांची गरज, गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरती, कल्पेश बॉलिंग मार्क वरती, चला घाई करा, त्वरा करा, वेळ दौडू नका, सहा चेंडू, एकोणावीस धावांची गरज आहे, गोलंदाज तयार, लॅब स्वीप करण्याचा प्रयत्न, इसकेन को हवा में उठा के मार दिया है, एक टिप्पा खाने के बाद वाइड इज मिड ऑन के क्षेत्र में दो रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने, आउट करार दिए गए, केवल एक रन, चला धावतिया फलंदाज, नवीन फलंदाज धावतिया, जरा प्लीज सहकार्य करा, दरम्यान आगमन झालेलं आहे स्वप्निल पाटील, स्वप्निल ज्यांच्या वतीने आपल्याला मॅन ऑफ द सिरीज कूलर चं जे पारितोषिक लाभलेलं आहे, व तसेच निलेश जाधव यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे, आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत, दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल आपण मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे, इस गेंद को हवा में उठा के मार दिया है, डेड बॉल का ऐसा रहेगा क्योंकि ऊपर जो तार है उससे टकराई थी गेंद,
इसको अभी भी रुका हुआ है 10 रन। चौबीस रनों की जरूरत जीतने के लिए, यानी अभी भी 14 रनों की जरूरत। आगे निकले कदमों का इस्तेमाल करके निकाल दिया गेंद को, वाइड इज मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति। चला नाने पे करने सटी या पटकन, सामना फक्त एक षटका जरा इन लक्षा दिया, दोनों संघना एक पटकन या दिगाशी दिगाशी संघाचे कॅप्टन त्वरित या। सुनील जी केजरीवाल सरांना मी विनंती करतोय नाणेफेकी करता यायचे। नाणेफेक होते दोन्ही टीमचे कॅप्टन मध्ये घ्या। काटा आणि छापा, नाणेफेक जिंकले, दिगाशी संघ फलंदाज स्वीकारले। चला फलंदाज पाठवा दिगाशी संघ।